हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग जैसे थंबनेल तो देखा ही होगा। तो दोस्तों, हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, इसी टॉपिक को बारी बारी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं पंचायत। तो पंचायत की बात करें तो पंचायत के निर्माण के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो पंचायत का निर्माण कैसे हुआ है? तो पंचायत का निर्माण कई वार्डों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। फिर देखते हैं कि प्रधान, तो प्रधान यानी कि प्रधान कौन होता है पंचायत का? तो पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। तो दोस्तों, पंचायत का प्रधान मुखिया हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पंचायत कितना होते हैं, यानी कि कितने संख्या होते हैं पंचायत के। बिहार से रिस्पेक्ट में बात करें पंचायत की कितनी संख्या होते हैं, तो पंचायत की टोटल संख्या 8471, यानी कि 8471 टोटल पंचायत की संख्या होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रखंड यानी कि ब्लॉक। तो ब्लॉक का निर्माण के पहले बात कर ले, तो ब्लॉक का निर्माण कई पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। और ब्लॉक का हम प्रधान की बात कर ले, तो ब्लॉक का प्रधान यानी कि BDO होता है। तो ब्लॉक का प्रधान यानी कि BDO। तो BDO का फुल फॉर्म देखें तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ब्लॉक का जो डेवलपमेंट का काम होता है वो BDO संभालते हैं। फिर इसकी संख्या की बात करें तो टोटल कितनी ब्लॉक होगी, तो टोटल ब्लॉक आपको 8471 टोटल ब्लॉक होते हैं जो बिहार के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनुमंडल। तो अनुमंडल के निर्माण के पहले बात करें तो अनुमंडल के निर्माण कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल का निर्माण किया जाता है। फिर अनुमंडल के प्रधान की बात करें यानी कि अनुमंडल के प्रधान कौन होते हैं, तो इसके प्रधान SDO होते हैं यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर SDO होते हैं। अगर हम लोग इसका संख्या बात करें, अनुमंडल की संख्या बात करें, तो टोटल संख्या अनुमंडल का आपका 101 टोटल अनुमंडल की संख्या होती है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जिला यानी कि मंडल डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट के निर्माण की बात करें तो कई अनुमंडलों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाता है, यानी कि कई अनुमंडलों यानी कि 5-7 अनुमंडल मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाता है। और इसके प्रधान की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रधान आपको DM होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके प्रधान कौन होते हैं? DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। और बिहार के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए जिला, तो हर एक राज्य की अलग अलग होती है। तो बिहार में 38 जिला यानी कि 38 जिला अभी हाल में है बिहार की। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रमंडल। तो प्रमंडल की बात करें यानी कि डिवीज़न, तो इसका निर्माण के बारे में देखें तो कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। और इसके प्रधान की बात करें तो प्रमंडल का प्रधान यानी कि कमिश्नर, इनके प्रधान कमिश्नर होते हैं। और प्रमंडल की बात करें कि अभी हमारे कितने प्रमंडल हैं, तो टोटल प्रमंडल अभी 9 प्रमंडल बिहार में है, यानी कि प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट यानी कि राज्य। तो राज्य का निर्माण यानी कि कई प्रमंडलों को मिला के एक राज्य का निर्माण किया जाता है। और राज्य के प्रधान यानी कि CM चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसका प्रधान CM होते हैं। और हमारे देश में टोटल राज्यों की संख्या 38 राज्य है यानी कि 28 राज्य और 8 UT है यानी कि केंद्रशासित प्रदेश, 8 केंद्रशासित प्रदेश और 28 स्टेट हो गए। इसके बाद हम करते हैं लास्ट में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट यानी कि कंट्री देश, जो इसी के अंतर्गत सब आते हैं। तो देश में या देश का निर्माण यानी कि कई राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण किया जाता है। और देश के प्रधान होते हैं PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो सांसद के बहुमत होते हैं, बहुमत की पार्टी के एक प्रधान नेता होते हैं, वही आपको PM बनते हैं। तो PM के अंदर ये होते हैं। और देश तो एक ही है हमारा भारत। तो हम लोग ने ये टॉपिक बारी बारी से टोटल टॉपिक के बारे में देखे हैं, पंचायत प्रखंड अनुमंडल यानी कि देश तक पूरा टॉपिक हम लोग बारी बारी से देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा टॉपिक के डिटेल के साथ देखें यानी कि पंचायत में क्या होते हैं, नहीं होते, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या पद होते हैं, पूरा डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और इस वीडियो का रिव्यू आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा था। और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।